हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास थर्ड। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेसन 6 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे। आज हम लेसन 7 की रीडिंग और उसकी एक्सरसाइज को देखेंगे। लेसन 7 हमारा है हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानो सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा तो आप लोगों को पता ही है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो उसी नाम की जगह जिस वर्ड का या जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं। देखो, जिस शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करने से भाषा सुंदर लगती है। संज्ञा की तरह ही इसे भी एक वचन या तथा बहुवचन होते हैं। इसके भी देखिए, सर्वनाम लिंग तथा वचन। सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में देखिए, मैं खेल रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। यहाँ पर सर्वनाम शब्द इस वाक्य में क्या हुआ, मैं। इसमें भी देखो, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग, दोनों में मैं उसी रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखो, इसमें वचन भी है, एक वचन, बहुवचन। यहाँ पे मैं एक के लिए प्रयोग हुआ है और बहुवचन में हम का प्रयोग हुआ है। देखो, सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है बच्चों। किसी भी वाक्य में यदि बार बार संज्ञा का प्रयोग किया जाए तो वाक्य अटपटा लगता है। जैसे बंदर पेड़ पर आया, बंदर ने केला खाया, बंदर ने इधर उधर देखा, बंदर चला गया। यह क्या है, बहुत अजीब लगा। लेकिन उसी के स्थान पर जब अगर हमने सर्वनाम का, अब जैसे देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब ठीक उसके विपरीत में हम आके देखते हैं कि जहाँ पर हमने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, जैसे देखो, बंदर पेड़ पर आया, उसने इधर उधर देखा, उसने केला खाया, वह चला गया। यहाँ पे हम सर्वनाम का प्रयोग किए, वाक्य भी हमारा अच्छा है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानते हैं। सर्वनाम का अर्थ क्या है, जो सबके लिए नाम, सबके, सर्वनाम सर्व मतलब सबके, नाम मतलब नाम होता है, जो सबका नाम, सबके लिए नाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता वह सर्वनाम कहलाता है। तो बच्चों, अभी हमने आपको यही बताया कि जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर सर्वनाम भी बदल जाता है। जब हमारा वचन बदलता है तो वो सर्वनाम, जैसे मैं, एक वचन में मैं का प्रयोग लेकिन बहुवचन में हम का प्रयोग हो जाता है। तो वहाँ पे वचन बदल गया, एक वचन के लिए मैं का प्रयोग हुआ, बहुवचन के लिए हम का। बहुवचन में एक से ज़्यादा लोग होते हैं या वस्तुएँ होती, लोग होते हैं, तो वहाँ हम का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने सर्वनाम के बारे में जाना। अब हम उसकी एक्सरसाइज को देखते हैं कि सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सर्वनाम क्या है, जो सबके लिए है, तो हम इस पर टिक कर देते हैं। सर्वनाम आता है संज्ञा की जगह। सर्वनाम शब्द बदलते हैं वचन बदलने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त सर्वनाम में वाक्य पूरे कीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है, मैं और तुम, इन दोनों में से छांट के मुझे वाक्य को पूरा करना। तुम आओ, इसे बुलाओ, तुम आओ, आप खाइए। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक खंड में एक वाक्य सही है तथा एक गलत है। सही वाक्य चुनकर सही का निशान लगाना है। मैं आ गया, हमारे राइट ऑप्शन है हाँ, यह मेरा फूल है। मैं घर गई, वह उठ गया, आप जाइए, तुमको जाना ही होगा। तो बच्चों, जैसे बुक में कंप्लीट किए गए, फिल किया गया, ठीक इसी प्रकार से आप लोग अपनी बुक को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। अब वाक्य में जैसे आप बताइए कौन आया था, अब इसमें सर्वनाम क्या है,
आप और कौन? मैं कल इसे लाऊंगा। यहाँ कल नहीं रहेगा, यहाँ इसे रहेगा। इसे, मैं और इसे, ए। तुम यह खाओ, तुम और यह। नीचे गोले में लिखे सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द शीर्षक के अनुसार चुनिए। पिताजी के लिए सर्वनाम शब्द क्या होगा? आप। अपने लिए मैं, अपने घर के लिए मेरा, मित्र के लिए तुम। तो बच्चों, इस तरह से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आप लोग अपनी बुक को कंप्लीट कर लेना। लर्न, रीड एंड लर्न एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज। आप लोग अपनी एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।